इस क्वेश्चन को आप लोग करिए एक बार, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में तो मतलब बहुत बार आता है, एक बार नहीं, ठीक है। इतने सारे ये आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, इनको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में देखते ही आपको आ जाना चाहिए कि भाई ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं पी प्लस वन का क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको चलो पहले कर ले, हमेशा याद रखना करना, अंदाज करोगे तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे करते हैं हम पहले एक बार, ज़रूर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको करने में कितना ही टाइम लगेगा, देखो 3p² + 3p, क्या इसको भी करने से वहीं आता है? नहीं, वो नहीं आता है। देखो एक मिल गया, ये मिल गया हमें, दिमाग में चलना चाहिए चीज़ें, ऐसे लिखना टिक नहीं मारना है। ए क्यूब प्लस वन, वन नहीं मिला डेफिनेटली, और 3p यानी कि समझ रहे हो ना, और पी प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाएगा, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, यानी कि ये दोनों तीनों मिल गया, ये मिल गया। एक्स्ट्रा बस बच रहा है यहाँ पे वन। तो अगर हमें इस चीज़ का तो वैल्यू निकालना है, इस चीज़ का वैल्यू निकालना हमें, तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक्स है इसका वैल्यू, तो हमें वन चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे वन ऐड कर दे दोनों साइड, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है इक्वेशन में? नहीं पड़ता है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, बस अब तो यहाँ से मतलब दिमाग में फट से चल जाना चाहिए कि ये पी प्लस वन का क्यूब है और यहाँ पे एक्स प्लस वन है। अब देखो दिमाग में चलने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि ये 39 का क्यूब माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो 99 81 81 इंटू करोगे तो 9, और यूनिट डिजिट से माइनस वन करोगे तो 8। जिस भी यूनिट डिजिट 1 8 है वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे। तो इसको पहले पूरा कर लेते हैं, बहुत लोग शायद ना समझ में आए हो। तो यहाँ पे 38 वैल्यू दिया हुआ है, प्लस वन हो जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि 39 का क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आप चाहो तो 39 का क्यूब कर सकते हो और ये माइनस वन कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है।